भ्राताश्री, भ्राताश्री क्या हुआ अनुज? भ्राताश्री, भ्राता भरत विशाल सेना लेकर हम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से इसी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। भ्राताश्री मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भ्राताश्री भरत के राजमत सत्तामत और अहंकार को चकनाचूर कर दूं, उन्हें यह बता दूं कि आप पर आक्रमण करने और आपको क्षति पहुंचाने के विचार का भी क्या परिणाम होता है। वास्तविकता जाने बिना कोई निर्णय कर लेना वैसा ही होता है अनुज, जैसे घटा के छाने पर दिन को रात्रि समझ लेना। अंधकार सूर्य को निगल सकता है, आंधी एक पर्वत को उड़ाकर ले जा सकती है, पृथ्वी अपना धैर्य खो सकती है, किंतु राजमद और सत्ता के मद में मेरा अनुज भरत भ्रातृ प्रेम को भूल जाए, असंभव है अनुज, यह असंभव है। यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न हुआ होता तो न्याय और धर्म की व्यवस्था बनाना संभव ही न होता। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है अनुज, अवश्य ही भ्रम हुआ है तुम्हें। भ्राताश्री, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, किंतु यदि भ्राता भरत के मन में खोट नहीं होता तो वो अकेले ही आते ना, शत्रुघ्न को साथ लाने का क्या अर्थ है? अनुज, भरत और शत्रुघ्न में वही संबंध है जो तुम में और मुझ में है, एक काया तो दूसरा छाया। यदि लक्ष्मण राम के संस्कारों की प्रतिमूर्ति है तो शत्रुघ्न भी भरत के संस्कारों से परिपूर्ण है। क्या यह संभव है कि अमृत के वृक्ष से विष का फल फूटे? क्या यह संभव है कि लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता सुमित्रा एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जिसमें लक्ष्मण के गुण ही न हो? अनुज, क्या यह संभव नहीं है कि शत्रुघ्न भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही उतावला हो रहा हो? भ्राताश्री, श्री भरत, भ्राताश्री, भ्राताश्री, जय श्री राम, भ्राताश्री, भारत, भ्राताश्री, 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 अनुज, भारत, भारत, मुझे अयोध्या का समाचार सुनाओ भारत। कैसी है मेरी अयोध्या? विदा के समय पिताश्री अत्यंत अस्वस्थ लग रहे थे, कैसे हैं वो? भ्राताश्री, पिताश्री स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने के जंजाल से मुक्त हो गए। हाँ भ्राताश्री, आपने अयोध्या छोड़ी एवं पिताश्री ने संसार छोड़ दिया। आ, 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 आ,
वो भरत की भांति पाषाण हृदय नहीं थे ना भ्राताश्री, जो राम को विदा करने के पश्चात भी जीवित रहते। वियोग ने मेरे पिता के प्राण ले लिए। नहीं भ्राताश्री, नहीं, पिताश्री का निधन आपके वियोग के कारण नहीं हुआ है, उनकी मृत्यु का उत्तरदायी मैं हूं। मैं आपका अयोध्या छोड़ना, पिताश्री का संसार छोड़ना, ये सब मेरे कारण हुआ है, सब मेरे कारण हुआ है। विश्वास कीजिए भ्राताश्री, यदि आपके दर्शन की इच्छा नहीं होती तो मैं आपको अपना ये पापी मुख कदापि नहीं दिखाता, कदापि नहीं दिखाता। अनुज, समय का चक्कर कोई नहीं थाम सकता, नियति पर किसी का वश नहीं चलता, होने पर किसी का अंकुश नहीं हो सकता। हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, ये तो केवल विधि के हाथ में है। जो होना था वो तो होना ही था, जो होने जा रहा है वो भी होकर ही रहेगा। तुम स्वयं को दोष मत दो भरत, स्वयं को दोष मत दो। प्रातःश्री, स्वयं को दोष मत दो। अपने इस पतित देवर को क्षमा कर दीजिए भाभीश्री। आप जैसा देवर तो केवल उन्हीं को मिल सकता है जिनके भाग्य पर संसार गर्व करे। आप क्षमा के नहीं, गर्व के पात्र हैं। आप जैसा देवर पाकर मैं धन्य हो गई। अनुज, तुम मेरे गले नहीं लगोगे? राधाश्री, मैं आपको किस मुंह से गले लगाऊं? मैं आपका अपराधी हूं। आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं ना, किंतु क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। नहीं अनुज, मन करता है कि मैं उस मन के टुकड़े टुकड़े कर दूं जिसमें आप जैसे भाई के प्रति संदेह जागा है। नहीं अनुज। भ्राताश्री, सूर्य दीप लेकर भी ढूंढूंगा ना, तब भी आप जैसा भ्राता इस पूरे संसार में नहीं मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं अनुज, नहीं भ्राताश्री। अनुज, राधाश्री, अनुज, अनुज, तुम गले लग गए, सारे क्लेश दूर हो गए। शिष्य राम। गुरुदेव, गुरुदेव। आयुष्मान भव, तुम्हारी माताएं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं। शिष्य, मेरी माताएं आई हैं? माता कह के भी?
तो माता राम के हृदय में बसती है, रमती है। वो राम के नेत्रों से ओझल कैसे हो सकती है? माता माता, क्या नदी लहर से मुख मोड़ सकती है? क्या दीपक प्रकाश से पीछा छुड़ा सकता है? जिस गोद में सिर रखकर जीवन का भेद जाना, उस गोद से मुझको वंचित न कीजिए माता। जिन चरणों को छूकर पूजा का अर्थ ज्ञात हुआ, उन्हें दूर न कीजिए माता। माता, मैं तो सर्वप्रथम आपका पुत्र हूं और तत्पश्चात माता कौसल्या का। नहीं पुत्र, नहीं। तुमने जिन सुंदर शब्दों का उपयोग किया, मैं उनके योग्य नहीं हूं। मैं तो वो पापन हूं जिसने अपने पुत्र से उसके अधिकार छीन लिए, जिसने अपने पति से उनका जीवन छीन लिया। मैंने तो अपने ही हाथों से अपनी मांग के सिंदूर को पहुंचकर उसमें राग भर दी। मैं ही तो रघुकुल के दुखों का कारण हूं, मैं ही तो सारे विनाश की जड़ हूं। नहीं माता, माता आप तो वो सुंदर वृक्ष है जिस पर भरत जैसा सुंदर सा पुष्प खिला है, जिसने राम को ममता की छाया दी है। नहीं पुत्र, नहीं। मैं ही जानती हूं मैंने कितना अनर्थ किया है। माता, नियति के दोष को स्वयं का दोष मत समझिए। आपने जो किया वो नियति ने आपसे करवाया। आपके प्यार को तरसते हुए इस पुत्र को गले लगा लीजिए माता। क्या कही? अपने पुत्र को गले लगा लो। पुत्र माता, पुत्र राम। माता मेरे लाल। माता मेरे राम। माता मेरे लाल। माता मेरा पुत्र। पुत्र मेरे लाल। मैं जानती थी कोई और मुझे क्षमा करे न करे, मेरा पुत्र मुझे अवश्य क्षमा करेगा। हाँ माता, मैं जानती थी। मैं भी कितनी स्वार्थी हूं, तुम्हें देखते ही भूल गई कि कौशल्या दीदी और सुमित्रा दीदी भी तुम्हें गले लगाने के लिए कितनी व्याकुल हैं। माता राम, पुत्र राम, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। माता सुमित्रा, पुत्र राम, आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव,
पुत्री। नहीं पुत्री, नहीं, पुत्र राम ने तो मुझे क्षमा कर दिया, किंतु जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगी तब तक नहीं मातेश्री, मैं आर्य पुत्र के चरणों की सौगंध खाके कहती हूँ कि मेरे हृदय में आपका जो पहले स्थान था अब भी वही है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे आप रघुवंशियों पर गर्व है। सौभाग्यवती भाव, आयुष्मान भाव, पुत्र भरत, पुत्र भरत, जब तक मैं तुमसे क्षमा नहीं मांग लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुत्र, कुछ समय के लिए मैं भूल गया था कि भरत ही श्री राम का दूसरा रूप है, धर्म की साक्षात मूर्ति है। मैं तुम पर संदेह कर बैठा कि तुम राम पर आक्रमण करने जा रहे हो। मैं अपनी सोच के लिए लज्जित हूं। ऐसा ना कहिए, आपने कोई भूल नहीं की। भूल तो मुझसे हुई है जो मैं यहां सेना लेकर आ गया। आपने तो जो भी सोचा वो स्वाभाविक ही है। मैं तो स्वयं यहां अपनी एक भूल सुधारने आया हूं। भ्राता श्री, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। क्या भरत? भ्रताश्री, हम सब की भांति अयोध्या का कण कण आपके दर्शनों का प्यासा है। अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अयोध्या लौट चलिए। अयोध्या लौट चलूं? और पिताश्री का वचन? वो अवश्य पूरा होगा। आपके स्थान पर वनवास मैं काटूंगा। भ्राताश्री, दोषी तो मैं हूं, तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। पुत्र भरत सत्य कहता है, मेरे पाप का आधा बोझ तो तभी उतरेगा जब मेरा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होगा, और शेषा था जब पुत्र भरत वनवास काटेगा। नहीं माता, नहीं। पिता का वचन, ऐसा वचन जिसके कारण स्वयं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा वचन कोई माला नहीं होता जिसे मैं स्वयं अपने गले से निकालकर अनुज भरत के गले में पहना दूं। नहीं माता, यदि मैं अपने पिता के वचन से विमुख हो गया माता, तो संसार से वचन का सम्मान समाप्त हो जाएगा। फिर वचन कोई धर्म नहीं, एक ऐसा खिलौना बन जाएगा जिसके टूटने का किसी को दुख नहीं होता। नहीं भरत, अयोध्या के सिंहासन पर बैठना तुम्हारे लिए और वनवास को जाना मेरे लिए भाग्य का लेख है। मैं तुमसे पूछता हूं अनुज, क्या मैं पिताश्री के वचन को झूठा हो जाने दूं? जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम राम। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। धर्म कहता है कि पिता का आदेश पूरा होना चाहिए, किंतु न्याय कहता है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर आपको विराजमान होना चाहिए। भारत, जो न्याय धर्म पर आधारित ना हो वो न्याय नहीं होता, इसलिए तुम अयोध्या चलने के अतिरिक्त और जो कुछ कहो वो मुझे स्वीकार है।
तो भ्राताश्री, यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो आप अस्वीकार तो नहीं करेंगे? मांग कर तो देखो अनुज। तो भ्राताश्री, इस भरत को अपनी अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। चरण पादुकाएं? हाँ। क्यों भरत? भ्राताश्री, अयोध्या के राज सिंहासन पर आपकी चरण पादुकाएं विराजमान रहेंगी। और 14 वर्षों तक मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा। किंतु ध्यान रहे भ्राताश्री, 14 वर्षों तक एक एक दिवस मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। किंतु यदि 14 वर्ष पश्चात आपने क्षण मात्र का भी विलंब किया तो आपके चरणों की सौगंध, ये भरत अपने प्राण त्याग देगा। ये भरत अपने प्राण त्याग देगा भ्राताश्री। चरण पादुका रघुवर दीनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी। भरत सप्रेम माथ धर लेनी। भरत भ्राताश्री, ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वक्रतुण्डमहाकायः सूर्यकोटी समप्रभं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा दैवं गौरीपुत्रं विनायकम्, भक्तावासं स्मरेन्नित्यम्। आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजं च, धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं बालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिः अस्तु, कल्याणमस्तु। अनुज, आज से अयोध्या की व्यवस्था के तुम उत्तरदायी रहोगे। मुझे आपका सहायक बनने में अपार हर्ष होगा भ्राताश्री। सहायक नहीं अनुज, तुम संपूर्ण उत्तरदायी बनकर रहोगे। और आप? अनुज, मैंने निर्णय लिया है कि मैं पास के नंदी ग्राम में जाकर रहूंगा, और उस समय तक रहूंगा जब तक मेरे भ्राता श्री राम का वनवास समाप्त नहीं हो जाता। राज्यसभा स्थगित करने की घोषणा की जाती है,